ये है आपके सामने भारत का एकमात्र संग्रहालय जिसमें मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और संघर्ष की दास्तान मूवी या चलचित्र के माध्यम से दिखाई जा रही है। हल्दीघाटी पावन धरती पर इस संग्रहालय को 19 जनवरी 2003 में स्टैब्लिश किया गया, जिसके अंदर एंट्री करने के साथ ही आपको महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलती है। यहां आंगन में आपको महाराणा प्रताप के सबसे वफादार चेतक घोड़ा व युद्ध करते हुए कुछ मूर्त दिखाई देंगी। यहाँ आपको गाइड करने के अलग से कोई रुपए नहीं देने होते। यहाँ आपको दिशा निर्देशों के साथ एंट्रेंस हॉल की तरफ जाने के लिए बोला जाएगा। एंट्रेंस हॉल में एंट्री करने के बाद महाराणा प्रताप के बारे में कुछ गाथाएं लिखी मिलेंगी। कुछ समय बाद गाइड आपको रिसीव करेगा और साथ ही आपको पहले हॉल में लेकर जाएगा, जहाँ आपको महान व्यक्ति डॉक्टर मोहन श्रीमाली जी का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई पूंजी इस संग्रहालय को बनाने में लगा दी। जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहां की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पुंजाक नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम में और जो अभी मैंने आपको पहले जो छोटी सी पिक्चर दिखाई है संक्षिप्त वाली, अभी वो थोड़ा मतलब उसका प्रारूप है। इसके बाद अभी एक मूवी चलेगी तो उसको भी मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। म्यूजियम बहुत अच्छा बनाया गया है और मेरा तो ये मानना है कि हर एक जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हर जगह इस तरीके के म्यूजियम अगर बनाए जाए और एक शॉर्ट मूवी दिखाई जाए, मतलब वीरों के बारे में पता चले, बहुत ही अच्छा। यहाँ आपको देखने को मिलेगी मूवी। महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमल की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ।
समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासू कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों की टापों, हाथियों की चंघाड़ों और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांप कर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राज मुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम हासूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया।